राजस्थान के सियासी गलियारों में जोर शोर से एक चर्चा हो रही है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो योगी सीएम बनाए जा सकते हैं। क्या ये यूपी वाले योगी हैं? नहीं, ये यूपी वाले नहीं बल्कि राजस्थान के ही योगी बाबा बालकनाथ हैं, जो राजस्थान के अलवर से बीजेपी के सांसद हैं। हमेशा भगवा कपड़ों में दिखने वाले बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आक्रामक तेवरों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बाबा बालकनाथ 2019 में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जीतेंद्र सिंह को हराकर पहली बार संसद पहुंचे थे। वो नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। चांदनाथ योगी ने 2016 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में महंत बाबा बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बाबा बालकनाथ को रोहतक की गद्दी के उपाध्यक्ष की पदवी हासिल है। इस बीच बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बना दिया है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रमोट क्यों किया। दरअसल 38 साल के बाबा बालकनाथ ने अलवर और आसपास के इलाकों में राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भगवाधारी नेता को प्रमोट करके हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे रखने का भी संकेत दिया है, जिसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है कि प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आती है तो बाबा बालकनाथ सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में कांग्रेस को हराने की है। इसके अलावा राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की चाल से पार पाना भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।